आज सुबह की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले के बाद एक बार फिर ईडी टीम एक्टिव हो गई है। वहां पर आज सुबह फिर टीएमसी के मंत्रियों के यहाँ छापेमारी की है। आज सुबह ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्रियों के घर पर ईडी ने धावा बोल दिया है। घोटाले को लेकर ये छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह ईडी की एक टीम अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के दो ठिकानों पर पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम मंत्री तापस रॉय के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची है। ये छापेमारी अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, इन दोनों मंत्रियों के अलावा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के घर पर भी ईडी ने रेड डाली है। ये छापेमारी नगर निगम में नौकरी घोटाले के मामले से जुड़ी हुई है। देखिए जब ईडी सुबह मंत्रियों के घर पर छापे मारने पहुंची। तो वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश अनुसार मुख्य सचिव और गृह सचिव की बैठक हुई। मैंने कुछ मुद्दों पर सरकार की राय पर भी विचार किया जो इन दिनों हमें परेशान कर रहे हैं, खासकर ईडी के उत्पीड़न के बारे में। उन्होंने मुझे कुछ जरूरी इनपुट दिए हैं और इस मामले में जांच चल रही है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, गोपनीय रखूंगा। मीटिंग ऑफ द चीफ सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी was as directed by my esteemed constitutional colleague, the Chief Minister. What they conveyed to me as a considered opinion of the government on certain burning issues which are vexing us these days, particularly in the background of the harassment of the ED. They have given me some valuable input. Since the investigation is going on, I would like to keep it confidential. अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।